गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं उनको हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो रहेगी वो डिटेल रहेगी, ओके। बाकी हम यहाँ पर जो है आपसे मुख्यालय मैगजिम आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, RRB का एग्ज़ाम हो, SSC का हो, बैंक का हो या स्टेट PCS लेवल का हो, सभी में आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन का या कह अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे मुख्यालय से, ओके। बता रहा हूँ मैं आपको एक्चुअल में हम कैसे पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे उसके मुख्यालय से, उसके पूरे नाम से, ठीक है। उसका पूरा नाम क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, उसमें एक्चुअल में जो भी अगर करंट अफेयर हुआ है तो उससे करंट अफेयर जो अभी का करंट अफेयर हुआ उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। उसका जो है फाउंडेशन या फिर कहें इसकी स्थापना कब हुई है, उसका अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे पॉइंट्स हमसे पूछे जाते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, यानी क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमसे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर बार एक क्वेश्चन आता है जो कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होकर आता है, ठीक है। चलेंगे स्टार्ट करेंगे वीडियो को और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, चलिए आंसर दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास न्यूयॉर्क, टोक्यो, ओसाका और लंदन। आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे, ठीक है। जब तक जो है आप मुख्यालय जो है मुझे बताइए, तब तक फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ के जो वर्तमान महासचिव हैं, ठीक है, कौन है, वान की मून है, ओके। और इसमें जो सदस्य संख्या है फ्रेंड्स, जो देश हैं वो 193 देश जो हैं इसमें अभी सम्मिलित हैं, शामिल हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि भाई इसका दिवस क्या होता है, इसका स्थापना कब हुई, तो इसका स्थापना हुई 24 अक्टूबर, ठीक है, 1945, ठीक है, 1945 को इसके फाउंडेशन हुई, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भाई कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय क्या है भाई, आप लोगों ने आई थिंक आंसर दे दिया होगा, इसका मुख्यालय जो रहेगा वो रहेगा न्यूयॉर्क में। कहाँ रहेगा, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय रहेगा भाई, ठीक है, ये रहा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो रहेगा यहाँ पर मुख्यालय रहेगा, ठीक है, ऑप्शन ई करेक्ट रहेगा। और यहाँ पर जो है देखिए, भाषाओं की बात करें तो भाषाएँ जो रहती हैं यहाँ पर अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश, ठीक है, ये सारी भाषाएं जो होती इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन दो मुख्यतः भाषा होती है, एक तो इंग्लिश होती है और एक फ्रेंच होती है, ठीक है, एक फ्रेंच होती है और एक इंग्लिश। ये कार्यकारी भाषाएं आपसे पूछ ली जाए तो आप यहाँ से बता सकते हैं। और अगर बात करें हमारा करंट अफेयर या इम्पॉर्टेंट फैक्ट की जो पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहला जो भाषण था हिंदी में भाषण जो दिया था वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है। और प्रथम महिला जो थी वो अध्यक्ष कौन थी भाई इसकी, ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा। और इसके स्थायी, देखिए बता दूँ मैं आपके, वैसे तो इसके जो होते हैं अस्थायी सदस्य रहते हैं, ठीक है, अस्थायी सदस्य रहते हैं 10, ठीक है, और स्थायी सदस्य कितने हैं, स्थायी कितने हैं भाई, स्थायी हैं 5, ठीक है, ओके। जो अस्थायी है वो सिर्फ 2 साल के लिए काम करते हैं, स्थायी मतलब, स्थायी मतलब परमानेंट है, ठीक है, तो ये आप तो समझ गए होंगे। और स्थाई में देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज आपकी बता दी है, स्थाई में जो रहेंगे वो कौन कौन रहेंगे, बहुत सिंपल सा आपको मतलब इतना पता होगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, यूनाइटेड है, ठीक है, यूके यानी यूके है, ठीक है, रूस है, चीन और फ्रांस है, 5 देश हैं यहाँ पर। चलिए अगला देखेंगे हम, अगला है नाटो का मुख्यालय कहाँ है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। और एक और चीज़ बता दूँ फ्रेंड मैं यहाँ पर, कि इसका जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग में है, कहाँ है, हेग में है, हेग कहाँ, नीदरलैंड में, ठीक है, तो वह जो है हेग में है। अब देखेंगे इसको, अगले क्वेश्चन को, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये इसका जो रहता है फुल फॉर्म रहता है, ठीक है। और इसके बाद आपसे पूछा है मुख्यालय, फ्रेंड जब तक आप मुख्यालय बताएंगे मैं आपको उसकी थोड़ी सी उससे जुड़ी हुई जानकारी बता देता हूँ। तो देखिए, सदस्य संख्या जो है 12 है, ठीक है, सदस्य देखिए जो आरंभ हुआ था यानी कि स्टार्ट जो किया था नाटो, तो इस आरंभ में 12 देश थे इसके सदस्य, लेकिन वर्तमान में इसके 29 जो देश हैं वो इसके साथ हैं, ठीक है।
और सबसे नया जो रहेगा 2017 में, जो इससे जो है इसमें इसमें इसका सदस्य बना है, वो बना है मॉन्टीनिग्रो। कौन बना है? मॉन्टीनिग्रो बना है, ठीक है, ओके। और अभी जो तीसवा सदस्य जो है, कौन सा है? तीसवा सदस्य मतलब बनने वाला है, बना मतलब जो उसको घोषणा होगी वह होगा मैसेडोनिया। कितना होगा? मैसेडोनिया जो होगा वो तीसवा होगा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप 29 बोल सकते हैं, ठीक है। 30 ऑप्शन में से नहीं देगा, अगर देता है तो आप 30 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। वैसे 30 नहीं देगा वो, ओके। और डीपली में इतना ज़्यादा नहीं जाता, तो भाई आप लोगों ने लगा दिया होगा आंसर। तो यहाँ पर ब्रुसेल्स रहेगा, मुख्यालय क्या है? ब्रुसेल्स रहेगा, बेल्जियम यहाँ पर ब्रुसेल्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 2 आंसर सही रहेगा। अगला देखने वाले हैं, अगला क्या है भाई? अगला है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपको बताना है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी आप बताइएगा क्या हो सकता है, ओके। बहुत सिंपल है, संयुक्त बाल कोष इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त बाल कोष इसे हिंदी में बोलते हैं, ओके। आप ऑप्शन दिए हैं, आपको बताइएगा बीजिंग है, जिनेवा है, जिनेवा हो नहीं होता वो, जिनेवा होता है, मैंने एक्चुअल में यहाँ पर जिनेवा होता है वो हो सकता है इसमें, ठीक है। वो जिनेवा होता है, जिनेवा नहीं होता, ठीक है, गलती हो गया होगा, ओके। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, यानी कि संयुक्त बाल कोष, ठीक है। इसके बारे में बता देता हूँ फ्रेंड, जब तक आप जो है कमेंट करिएगा अपने मुख्यालय क्या है इसका। तो इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को, कभी 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 19 कितने हैं? 19 यहाँ पर 6 है, 1946 है जब इसकी स्थापना हुई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आपसे पूछे जाते हैं डेट्स वगैरह, ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सारे चीज़ जो है नोट करते जाइएगा, बाकी आपको PDF वगैरह मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। हमारे यहाँ टेलीग्राम ग्रुप है ऑनलाइन फ्री स्टडी का, उस पर जाकर आप जो है सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्री स्टडी मिल जाएगा, ओके। यहाँ पर जो है यूनिसेफ हमने पढ़ लिया, अब अगला देखेंगे 4th नंबर का जो है हमारा SAARC है। आपको बताना है ये SAARC जो है वो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके पास ये रहे, ठीक है, वियना, काठमांडू, लंदन या केरल, ठीक है। चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे। इसको इसका पूरा जो नेम होता है वो देखिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, हिंदी में इसको यही कहेंगे, ओके। कभी कभी क्या होता है, हम हिंदी में हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ऐसा लिखा हुआ आता है, तो आप कन्फ्यूज़ ना होइए, इसको याद कर लीजिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ओके okay, इसकी बातें कर लेते हैं पहले हम। आप मुख्यालय जब तक बता रहे हैं उससे पहले जो मैं बता देता हूँ आपको, देखिए सदस्य इसकी संख्या कौन कौन, भाई सदस्य इसका कौन कौन है? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, मालदीव है, ठीक है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, ठीक है। तो इतने देश हैं यहाँ पर, और रिसेंटली में कौन आया भाई? 2007 में, 2007 में आया अफगानिस्तान, ठीक है, ओके। यहाँ पर 2007 में अफगानिस्तान आया। इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर को, ओके, और वो भी 1985 को, ठीक है, 8 सितंबर 1985 को इसकी जो है स्थापना हुई। और लास्ट में बता दूं मैं आपको कि इसका जो है मुख्यालय है वह है काठमांडू। क्या है? ऑप्शन 2 काठमांडू इसका मुख्यालय रहेगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। SAARC देशों के बारे में हमने देख लिया है, आगे देखेंगे UNDP का मुख्यालय कहाँ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने इसका नाम नहीं सुना होगा, मैं इसके ऑप्शन दे देता हूँ, वैसे आपके ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र विकास, ठीक है, तो ये इसका जो है मतलब है ये, ओके। तो यहाँ पर इसका ये मतलब था, ओके। अब आपको बताना है इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, मैं अब तक आपको इसका स्थापना बता देता हूँ। स्थापना हुई थी 22 नवंबर को, ठीक है, और ये 1965 में फाउंड किया गया था, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये सही इन्फॉर्मेशन है, कभी 94, 96 ये आ जाए तो वो नहीं मत लगाइएगा। यहाँ पर आपको जो घोषणा होती है, जो ऑफिशियली घोषणा होती है, उसी पर हम चलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मुख्यालय क्या रहेगा भाई? इसका मुख्यालय रहेगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, UNDP, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन 2 रहेगा। आगे देखिए WTO का मुख्यालय कहाँ है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसका हिंदी होगा विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, यानी मतलब हिंदी मतलब इंग्लिश बता देता हूँ पहले, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड का जो हिंदी होगा वह होगा विश्व
व्यापार संगठन, ठीक है, ट्रेड मतलब व्यापार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मुख्यालय बताना है, उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, आप जब तक मुझे मुख्यालय कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, क्योंकि हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर रहे हैं और क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो भाषा जो रहेंगी, सबसे पहली बात अंग्रेजी रहेगी, इंग्लिश, फ्रेंच रहेगी, स्पेनिश रहेगी, ठीक है। कौन कौन सी रहेगी यहाँ पर? यहाँ पर रहेगी फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश। कितने सदस्य रहेंगे देश? यहाँ पर 160 सदस्य रहेंगे। स्थापना कब हुई है भाई? स्थापना हुई है 1 जनवरी को, ठीक है, 1995 को, ठीक है, 1 जन 1995 को ये जो है फाउंड किया गया, ठीक है, ओके। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका जो है मुख्यालय कहाँ है भाई? मुख्यालय है जनेवा में। क्या है? जनेवा में इसका मुख्यालय रहेगा, ठीक है, गुड टू गो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। IOC का मुख्यालय कहाँ है? ICO मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके पास है, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लुसाने, जनेवा, न्यूयॉर्क, मेलबर्न, कहाँ पर रहेगा? जब तक आप आंसर बताइए मुझे, तब तक मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सदस्य रहेगी, सदस्य संख्या रहेगी यहाँ पर 205। भाषा यूज़ की जाती है फ्रांसीसी और अंग्रेजी, ठीक है। अध्यक्ष जो है थॉमस वॉच यहाँ पर अध्यक्ष हैं अभी फिलहाल में, ओके। स्थापना जो हुई थी वो 1894 को हुई थी। कब हुई थी? 23 जून 1894 में इसकी जो है फाउंडेशन हुई थी, स्थापना हुई थी। और इन दी एंड जो इसका मुख्यालय अगर वो लुसाने रहेगा, लुसाने मतलब स्विट्जरलैंड, ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय रहेगा। आंसर इज 1 इज करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगला देखेंगे, तो अगला है फ्रेंड्स ओपेक का मुख्यालय, ठीक है। ओपेक, ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इसका अब जो पूरा फुल फॉर्म होता है वह होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। और ऑप्शन आपके पास है, क्या है? जनेवा है, वियना है, नाइजीरिया है और न्यूयॉर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है आपको बताना है कि मुख्यालय कहाँ है, बहुत सिंपल है। इसकी सदस्य संख्या है 15, ठीक है। और कतर जो है, देखिए 15 इसकी सदस्य संख्या है, पहले थी 16 लेकिन अब 15 हो गई, क्योंकि कतर ने जो इसकी सदस्य जो है बनने से मना कर दिया है, कतर इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। तो कितने रह गए? 15 रह गए हैं, ठीक है। स्थापना की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आपको एग्जाम में आई कि भाई अफेक्टेड कब हुआ, ठीक है। वैसे आपको लगाना यही है कि जनवरी 1961, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि एक्चुअल में ये जो है अफेक्टेड नहीं, मतलब एक्चुअल में इसे गठन कब हुआ था इसका, तो आप करेंगे 10 सितंबर 1960। इफेक्ट का, इफेक्ट में मतलब जब पूरे जो पूरे के पूरे जितने 16 जो थे पहले पूरे सदस्य जो थे वो एक साथ कब आए? वो आए जनवरी 1961 में, लेकिन ये जो है बन चुका था 10 सितंबर 1960, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं भाई इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा। मुख्यालय रहेगा वियना में। कहाँ रहेगा? वियना में रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ रहेगा? ऑस्ट्रेलिया में रहेगा वियना, ठीक है। तो ये ऑप्शन 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको देश दिखाई दे रहे हैं, सऊदी अरब, ठीक है, ये सारे देश हैं आपको दिखाई दे जाएंगे। सऊदी अरब है, अल्जीरिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, ओके, कुवैत है यहाँ पर, अंगोला है, इक्वाडोर है, संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई की बात करें, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला और गबोन और गिनी और कांगो, ठीक है, ये सारे देश इसके सदस्य हैं। आगे देखने वाले हम क्वेश्चन को, देखिए आगे कौन सा है भाई? ओ सी ई डी का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है, OECD यानी कि यहाँ पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहते हैं इसे, ओके, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका नाम है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि आपसे पूछा जाएगा, ये मुख्यालय इम्पॉर्टेंट ही पूछा जाएगा, तो यहाँ पर जल्दी से मुझे बता दीजिए मुख्यालय क्या है। तब तक मैं बता दूँ मैं आपको, इसके जो टोटल सदस्य हैं वह 35 है, ठीक है, 35। और ये जो है 30 सितंबर 1961 को फाउंड किया गया था, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है कभी कभी। तो यहाँ पर जो रहेगा हमारे पास आंसर रहेगा, ओके, क्या है मुख्यालय भाई? आशा करता हूँ सभी ने बताया होगा, पेरिस में है मुख्यालय का, पेरिस में है। पेरिस कहाँ? फ्रांस में है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे G20 का 2019 में जो सम्मेलन हुआ है वह कहाँ पर हुआ है, ओके,
ये आपको बताना है, आंसर कमेंट करना है। चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग बताएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर रहे आपके पास उषा का, यूनियर्स आर से वो ओके, लंदन और भारत, ये कहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये करंट का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर जो है 20 देश वैसे माने आते हैं, 20 देश हैं, 20G20 है, लेकिन 19 देश अलग हैं और एक देश हमारा था यूरोपियन संघ। क्या है, एक देश जो है यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ से कहते हैं, तो ये टोटल मिला के होते हैं 20। ठीक है, इसकी स्थापना करी गई थी 26 सितंबर 1999 को। इसके अध्यक्ष जो है वो शिंजो आबे है। कौन है भाई? शिंजो आबे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है G20 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, ओशाका जापान। ठीक है, फिलहाल में जो समिट हुई है वही ओशाका में हुई है, जापान में हुई थी। ठीक है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर जो रहेगा ओशाका जापान रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपसे एक क्वेश्चन से क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं G20 से। तो G20 से पूछा जाएगा कि 14 बार, देखिए 14 नंबर का जो था अभी करंट अफेयर था कि 14 नंबर का भाई जो था सम्मेलन था ये। ठीक है, तो 14 नंबर का सम्मेलन हुआ जो जून में हुआ। ठीक है, और ये हुआ 13-14 को। ओके, और ये 2019 में जो है 2019 में ओसाका जापान में हुआ। 13वां अगर पूछ ले नंबर दिसंबर में हुआ, 2018 ब्यूनस आयर्स में हुआ अर्जेंटीना में। अगर पहला पूछ ले आपसे तो ये नवंबर में हुआ था। ठीक है, 2008 में हुआ वाशिंगटन किस में, USA में। ठीक है, आपको देश बता दिए हैं मैंने, ये इतने सारे देश हैं यहाँ पर, ये दिखाई दे रही है सारे देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, इसलिए भारत भी यहाँ पर जाता है। ओके, तो ये जो है इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अभी भी आ सकता है कि कौन सा जो है यहाँ पर ऐसा देश है जो जो है यहाँ पर G20 का सदस्य है। आगे देखेंगे, ILO का मुख्यालय कहाँ है। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसे कहते हैं या संघ कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ हम बहुत सारे लेबर के चक्कर में या फिर कहें हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था थोड़ा सा डाउन हो रही है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन स्वीडन, जिनेवा, पेरिस और न्यूयॉर्क है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, जब तक आप मुझे मुख्यालय बताइए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो फाउंडेशन हुई थी, स्थापना हुई थी वो 29 अक्टूबर 1919 में। कब हुई? 29 अक्टूबर लिख देता हूँ। ठीक है, 29 अक्टूबर, ठीक है, 1919। ठीक है, तो ये 1919 में हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसका मुख्यालय क्या रहेगा? इसका मुख्यालय रहेगा वही जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, क्या रहेगा? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड रहेगा। ओके, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में और ये भी आएगा। ओके, आगे देखने वाले हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के बारे में मैंने एक फुल वीडियो डाला था। ठीक है, तो उसको भी देख सकते हैं आप, जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या वीडियोस में बहुत नीचे मिलेगी, क्योंकि आपको 2 महीने पहले समथिंग डाली थी मैंने, लेकिन आप देख सकते हैं, मैं उसको प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा। ओके, ओ सॉरी, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में होगा भाई, हिंदी में क्या होगा कोई बताएगा? हिंदी में होगा इसका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को से एसएससी एमटीएस में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, 7 से 8 नहीं आएंगे तो, लेकिन नहीं 7 से 5 क्वेश्चन जरूर आए थे, लेकिन 7 से 8 नहीं, 5 क्वेश्चन जरूर आए थे। ठीक है, तो आपसे मुख्यालय पूछा, जब तक आप मुख्यालय दी मैं बताता हूँ कि आपके जो इसमें देश जो है कितने सम्मिलित हैं, 193 है। स्थापना 4 नवंबर 1946 को ही। प्रमुख जो है इसके वो है आर दे ओजोले जो है इसके प्रमुख हैं, याद रखिएगा या लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो रहेगा वो पेरिस फ्रांस में रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, पेरिस फ्रांस। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय होने वाला है। ओके, चलिए आई थिंक ये इन्फो इनफ है आपके लिए, और भी बहुत सारी डिटेल जो है मैंने ऑलरेडी यूनेस्को के बारे में बताई दी है, क्या करता है यूनेस्को, 35 हेरिटेज है हमारे यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है भाई, आगे देखेंगे यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, यानी विश्व बैंक की बात हो रही है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो आपके पास ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, जनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस। ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म वगैरह तो आपको मैंने बताई दिया है। चलिए आप मुझे बताइए इसमें जो है कहाँ पर इसका जो है मुख्यालय, तो मैं बताता हूँ आपको कि इसकी स्थापना हुई थी 1944 को। ठीक है, सिद्धांत की बात करें, इसमें सिद्धांत भी आता है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए, एक दो बार पूछा गया है इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी, ठीक, यानी गरीबी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, और आपका जो मुख्यालय रहेगा वो रहेगा वॉशिंगटन डी सी। क्या रहेगा? वॉशिंगटन डी सी रहेगा, यूएस।
ठीक है, वाशिंगटन डीसी रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी को पता होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखेंगे, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है। तो आईएमएफ का मुख्यालय, आईएमएफ का कोई फुल फॉर्म मुझे बता देगा, अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट करिए। यहाँ पर जो रहेगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसको कहते हैं हिंदी में, कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ओके, हिंदी में क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऐसे भी एग्जाम में कभी कभी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, आंसर कमेंट करने हैं, ठीक है, ओके। और वहाँ पर एग्जाम में भी ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है आप जो है इसका मुख्यालय दिए, तो आप जो होंगे बताएंगे। लेकिन फ्रेंड अगर कन्फ्यूज़ हो गए यहाँ पर, ठीक है, कि हिंदी इंग्लिश में, तो दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते आ रहा हूँ मैं आपको। चलिए, इसका देखिए फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, और आगे जो है आप ओके फ्रेंड, चलिए बताइए मुझे क्या रहेगा। इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को, कभी 27 दिसंबर 1945 को, और इसका भी जो रहेगा मुख्यालय रहेगा वो रहेगा वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, क्या रहेगा, वॉशिंगटन डीसी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट था, आगे बढ़ेंगे। एफ ए ओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इसका जो फुल फॉर्म है मैंने बता दिया आपको, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इसका मुख्यालय बताना है फ्रेंड, चलिए कमेंट करिएगा। देखिए इसमें तक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कितने जो हैं एक्चुअल में देश हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, एक क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ऐसी चीज़ें भी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 194 जो हो रहेंगे वो देश रहेंगे, 194 जो देश हैं इसके सदस्य हैं। ठीक है, ओके, और इसका फाउंडेशन हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, आगे इसका जो है रहेगा हमारा मुख्यालय जो रहेगा वो कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है रोम में। रोम कहाँ, इटली में। ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ लिख दी हैं, वो रोम में है, इटली में इसका मुख्यालय रहेगा। सिंपल, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्ज़ाम में कई बार आता है, बहुत बार आता है, और आपसे पूछे जाता है इसके अध्यक्ष, इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय, ये तीन चीज़ें आपसे मुख्यतः पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको मुख्यालय बताना है, जब तक मैं आपको बता देता हूँ बाकी और चीज़ें क्या होती हैं। देखिए इसमें फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपको सदस्य अगर पूछा जाए तो 193 है, वैसे वो नहीं पूछा जाता। अगर अध्यक्ष पूछा जाए प्रेजेंट के, तो अब्दुल कावी यूसुफ है, अब्दुल कावी यूसुफ, रिपीट कर रहा हूँ, अब्दुल कावी यूसुफ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर PDF में मैंने सारी चीज़ें नहीं दी हैं, उसका कारण है कि भाई आप थोड़ा सुनकर और अपना नोट करें। ठीक है, नोट करोगे तो ज़्यादा ध्यान रहेगा। ओके, इसका फाउंडेशन हुई या फिर बोले स्थापना हुई है 18 अप्रैल 1946 को, कब, 18 ठीक है अप्रैल 1946। ठीक है, तो ये जो है इसकी स्थापना हुई है। ओके, अब इसका जो है मुख्यालय कहाँ, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए एक आपसे पूछा जाता है ये किस जगह पर है, ये जो है बिल्डिंग का नाम क्या है, आपसे अगर पूछ रहे हैं इस बिल्डिंग का नाम क्या है मुख्यालय की, तो शांति महल कहेंगे या पीस पैलेस कहेंगे, क्या कहेंगे, या तो पीस पैलेस कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, पीस पैलेस कहेंगे, ओके, या शांति महल कहेंगे उस जगह को। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, पीस पैलेस या शांति महल कहेंगे। अगर आपसे इसका देश पूछ लिया एक्चुअल में लोकेटेड कहाँ पर है, तो हेग में है, कहाँ पर है, हेग में। ठीक है, तो यह हेग रहेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। आगे देखेंगे WWF, तो ये वह वाला WWF नहीं है जो कि लड़ाई वाला है, ये WWF दूसरा है, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, तो नेचर समझ में आ रहा है आपको कि भाई जो नेचर है उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो आपसे पूछा जा सकता है इसका मुख्यालय। तो मुख्यालय क्या है, जब तक आप बताइए मुझे, इसका जो है फुल फॉर्म आपको ये है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, ये यहाँ पर जो मिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है मुख्यालय इसका, जब तक मैं स्थापना दिवस बता दूँ, मैं स्थापना कब हुई, तो हुई थी 29 अप्रैल 1961 को, और इसका जो मुख्यालय रहेगा वो ऑप्शन वन रहेगा स्विट्जरलैंड। क्या रहेगा, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर ऑप्शन वन रहेगा, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का, SCO का मुख्यालय कहाँ है। SCO मतलब होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको बताना है, यह एक्चुअल में इसका मुख्यालय कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ऑफ जो है फुल फॉर्म आपको यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, फुल फॉर्म हिंदी इंग्लिश, यहाँ पर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी स्थापना रहेगी वो रहेगी
26 अप्रैल 1996 को, जब तक मुझे कमेंट करिए एक्चुअल में ये कहाँ पर इसका मुख्यालय है, ठीक है। संघाई आ रहा है तो संघाई से आप लगा सकते हैं कहाँ पर होगा, ओके। और इसकी जो करंट समिट हुई है, जो अभी पिछले कुछ टाइम करंट समिट हुई है, वो किर्गिस्तान, कहाँ पर, किर्गिस्तान में की गई है 13 और 14 को, ठीक है, 13-14 जून को जो है की गई है। मोदी भी वहाँ पर गए थे, ठीक है, इसमें जो थे इस समिट में मोदी भी थे, ठीक है, 13-14 को जो करी गई थी, 13 जून है जहाँ करी गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था एग्ज़ाम के जरिए कि भाई आपको जो अभी अगला पिछला वाला समिट कहाँ पर हुई, किर्गिस्तान में हुई है, मोदी भी वहाँ थे, ठीक है। और इसका फाउंडेशन था 26 अप्रैल 1996, ठीक है, 1996, याद रखिएगा। और आपको ये आपको पता ही होगा कहाँ पर बीजिंग में जो है इसका मुख्यालय है, बीजिंग मतलब चाइना में, चीन में है। आगे देखेंगे बिम्सटेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन, बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ है, तो बहुत सिंपल है, आपको बताना है फ्रेंड, भूटान, म्यांमार, ढाका या नेपाल। चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं बता दूँ आपको, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वह किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बनाया जाता, पूरे देश को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है, जैसे कि भारत है, श्रीलंका है, ठीक है, ऐसे कोई देश है उनको बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम बता दें मैं आपको, देखिए बिम्सटेक का कुछ मतलब होता है, आपसे अगर पूछ लिया बिम्सटेक का मतलब होता क्या है, ठीक है, बिम्सटेक का एक्चुअल मतलब होता है बंगाली खाड़ी से सटे हुए और समवर्ती देशों का एक क्षेत्रीय संगठन, ठीक है। ये कैसा संगठन है, जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए सब रे सारे के सारे जो है समवर्ती देशों के एक समवर्ती देश और क्षेत्रों का एक संगठन है, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश यहाँ पर आते हैं, देश भारत, ठीक है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, लेकिन पाकिस्तान जो है इसका सदस्य नहीं है। एग्जाम में आपसे आता है कि पाकिस्तान इसका सदस्य है, तो आप अगर करेक्ट करेंगे तो वहाँ गलत हो जाएगा, इसका मतलब वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा ढाका, यहाँ का मतलब बांग्लादेश इसका मुख्यालय है। आगे देखेंगे इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, भाई इंटरपोल क्या है, सभी लोगों को पता है इंटरपोल के बारे में, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ठीक है, पुराने टाइम पे बहुत सारे लोग जो है इंटरपोल इंटरपोल की बहुत सारी मूवीज भी देख रखी होंगी आपने, ओके। चलिए तो आंसर दीजिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, रोम है, बीजिंग है, जिनेवा है या लियोन है। तो इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसका फाउंडेशन हुई थी 7 सितंबर 1923 को, ठीक है, वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका जो है उद्घाटन हुआ था, इसका स्थापना करी गई थी कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वियना में 7 सितंबर 1923 को। अब आपको जो है मुख्यालय बताना है, तो मुख्यालय होगा लियोन फ्रांस, ठीक है, क्या रहेगा, लियोन फ्रांस, ये आपका ऑप्शन आएगा डी, ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। आगे देखेंगे, ये रहा आपके सामने रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ, यह अभी आपसे पूछा जा सकता है, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, जिनेवा या फिनलैंड। तो यहाँ पर आपको देखिए इसका कुछ फुल फॉर्म तो नहीं है, लेकिन फिर आपको बताना, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे इसका मुख्यालय कहाँ। तो देखिए 8 मई को जो है इसका दिवस होता है, हर देश जो है, हर जो है वर्ष को 8 मई को जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, आपको बता होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा भाई आपका जिनेवा, कहाँ पर है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है, ठीक है, इसका रेड क्रॉस का, ठीक है। आगे देखेंगे आशियान का मुख्यालय कहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आशियान एग्जाम में कई बार आता है, आशियान मुख्यालय आता है, जकार्ता, न्यूजीलैंड, जिनेवा या अफगानिस्तान, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे भाई आएगा क्या आंसर इसका। 8 अगस्त 1967 को इसको फाउंड किया गया, स्थापना हुई इसकी, इसका जो मुख्यालय है वह रहेगा, क्या रहेगा भाई, मुख्यालय रहेगा जकार्ता, क्या रहेगा, जकार्ता रहेगा इसका मुख्यालय, और इसकी फुल फॉर्म रहेगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो इसके फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, कभी कभी आपसे ई का मतलब पूछ लिया है, ठीक है, ई का मतलब पूछेंगे नहीं, साउथ का पूछेंगे, साउथ ईस्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। अगला इसके, हाँ सॉरी, इसके जो है कुछ नेम है, 10 देश हैं यहाँ पर, कितने देश हैं सदस्य, कितने देश हैं, 10 देश हैं, तो 10 देश आपको दिखाई दे रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लुआस म्यांमार और कम्बोडिया, ठीक है, किसके, आशियान के। आगे देखने वाले हैं UNCTAD, ठीक है, तो इसके आपको मुख्यालय बताना है, इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेशन ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म रहेगा। इसके मुख्यालय आपको बताना है, इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को,
ठीक है, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म आपको दिख रही है, ये फुल फॉर्म से पूछी जा सकती है, वैसे आपको याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। तो इसका जो रहेगा मुख्यालय रहेगा जिनेवा में, मैक्सिमम लोगों का जो मैक्सिमम जो है इनका जिनेवा रहता है, ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, कई कई बार हमें नहीं भी आ रहा हो तो आप गैस कर सकते हैं कि इसमें जिनेवा है या नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके पास है, ये रहे आपके पास ऑप्शन, ठीक है, जिनेवा ऑस्ट्रेलिया, कांगो और न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क सॉरी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर इसकी जो फाउंडेशन हुई यानी कि स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 1948 हमारे आज़ाद होने के 1 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए भाई, यहाँ पर आएगा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, क्या आएगा? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यह थी वीडियो फ्रेंड, इंपॉर्टेंट वीडियो थी, और आई थिंक ये वीडियो जो रहेगी आपको हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है सही करने के लिए। और अगर कुछ भी छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एक दो संगठन छूटे हैं मुझे पता है, ठीक है, लगभग 30 हैं, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इसलिए मैंने नहीं करा है, ठीक है। होने के लिए तो बहुत सारे संगठन हैं, हमारे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे संगठन चलाए जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चलाए जाते हैं जो समाज सेवा करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड में जो आपको दिखाई दिए मैंने जो आप बताया वो बहुत ज़्यादा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा अपने फ्रेंडों में, ठीक है। और अगर आप आने वाली वीडियो जैसे कि मैं अभी बनाने वाला हूँ डैम और रिवर, ठीक है, कुछ थोड़ा लेट हो गया है डैम और रिवर, जैसे कि आपको बताया मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी लग रही है बेकार थी, तो वो जो है क्यों हो गई, क्योंकि जुकाम हो रहा है, थोड़ा तबीयत खराब है, ठीक है, इसलिए थोड़ी वीडियो ज़्यादा नहीं आ पा रही है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको मिलेगी डैम ऑन रिवर प्लस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, डैम की लंबाई चौड़ाई, ठीक है, कितने कब बना, किसने शिलान्यास किया, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, यानी कि डिटेल में हम करने वाले हैं इन क्वेश्चन को। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते सबसे पहले आपको वीडियो देखने के लिए मिले तो बेल का आइकन आएगा उसको दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।